बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मंसूर खालिद है और आज की ये जो वीडियो है इसमें अमेरिका के विजिट वीज़े की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इकरार भाई, उनका जो है अमेरिका का वीज़ा विजिट अप्रूव हुआ है, तो उनकी क्या बैंक स्टेटमेंट है, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाए। इब्रार भाई जो है इनकी पहले भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, ये फास्टेस्ट डिलीवरी कंपनी के ओनर भी है। पहले जो वीडियो थी वो भी हम ट्री ऑफ लाइफ की तरफ जो है वो विजिट ट्रैवल कर रहे थे वैसे ही, तो उस दौरान जो है गाड़ी में जो है वीडियो बनाई है, अगर कोई आदमी देखना चाहे तो वो देख सकता है। तो इसके अलावा अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपने अपना डी फार्म जो है वो फिल करना है। तो इब्रार भाई का हमने डी फार्म मिल के एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ जो है इनका डी फार्म फिल किया था। उसके बाद जो है फीस पे करनी होती है $160 जो इसकी फीस है जो बैंक में जाके पे करनी है। तो मैं और इब्रार भाई गए थे उस वक्त जो है 60 BD जो है वो फीस बनी थी जो हमने पे की, और उसके बाद जो है जो रसीद मिलती है उसके बिहाफ पे जो है आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इनकी उस वक्त जो है अपॉइंटमेंट बुक की थी तो अपॉइंटमेंट जो है हमें 2 मंथ बाद की मिली थी। तो उस दौरानिए में जो है यूसुफ भाई के साथ इनका टूर करने का प्लान बन गया। यूसुफ भाई के साथ जो है ये आगे पाकिस्तान आ गए थे, इनका जॉर्जिया दुबई और अजरबैजान के इन्होंने टूर का प्लान बना, उस बिहाफ पे जो है ये पाकिस्तान आ गए। तो इनकी अपॉइंटमेंट की डेट भी थी लेकिन ये पाकिस्तान में थे, फिर जो है अपॉइंटमेंट जो है वो डेट जो एक्सटेंड की 10 दिन बाद की, फिर ये वापस बहरीन गए और जाके जो है इन्होंने जिस दिन की दोबारा अपॉइंटमेंट बुक की थी उस टाइम जो है ये एम्बेसी में गए जाके अपना इंटरव्यू दिया। तो जो इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट है वो भी उन्होंने रिपेयर किए, इनसे मांगे इन्होंने प्रोवाइड किए। तो इसके अलावा उन्होंने एक जर्नल सा पूछा कि हम पासपोर्ट आपका रख सकते हैं, तो इन्होंने उनको बताया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आप रख लें, अदरवाइज पैसे मेरा जो प्लान है सऊदीया जाने का है। तो उन्होंने बोला ठीक है पासपोर्ट जो है साथ ले जाएं तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये वापस आ गए पासपोर्ट लेके। उसके बाद 3 दिन बाद जो है एम्बेसी की तरफ से मेल आई, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायर्ड की, इन्होंने वो दोबारा जो है फिल करके दोबारा फॉरवर्ड कर दी एम्बेसी को जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायर्ड की थी। फिर उसके 3 मंथ बाद जो है दोबारा एम्बेसी ने इनसे कॉन्टैक्ट किया मेल की कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो हमें जमा कराएं। तो इन्होंने जाकर अपना पासपोर्ट जमा कराया, तो दोबारा इनको फिर मेल रिसीव हुई कि अपना पासपोर्ट आके जो है रिसीव कर लें। इन्होंने जाके अपना पासपोर्ट जो है वो रिसीव किया, तो उसके ऊपर जो है अमेरिका का 5 ईयर का जो है मल्टीपल विजिट वीज़ा लगा हुआ था। तो इसके अलावा अगर हम इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री इनकी जो अभी इन्होंने टूर एक किया था दुबई का, सऊदीया का और अजरबैजान जॉर्जिया का, इनकी ये ट्रैवल हिस्ट्री है। इससे पहले जो है ये तुर्की इन्होंने विजिट किया हुआ था और दुबई भी इससे पहले इन्होंने विजिट किया हुआ था, तो बस यही ट्रैवल हिस्ट्री थी, कोई इससे ज़्यादा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। और बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो इनके अकाउंट में उस वक्त बैलेंस था 1500 जो है दिनार, पाकिस्तानी समझ लें कि 9 लाख के करीब जो है वो इनकी बैंक स्टेटमेंट थी। नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट है, वो इतनी खास बैंक स्टेट नहीं है। इसके अलावा जो है मैं आपके साथ 2 स्टोरी और भी शेयर करने वाला हूँ। मेरा एक और दोस्त है फरीद भाई जो है उन्होंने भी वीज़ा अप्लाई किया और इंटरव्यू पे भी गए, तो उनका जो है वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसकी उन्होंने वजह यह बताई कि जो आपने डी फार्म फिल किया हुआ है आप वो चीज़ नहीं हो, तो इस बिहाफ पे जो है उन्होंने वीज़ा उनका रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके अलावा जो है एक और मेरे दोस्त हैं खालिद भाई, एक क्या माल है बहरीन के अंदर उसमें काम करते हैं, तो उधर जो है उनका कोई फंक्शन था जो एक क्या माल की जो ओनरशिप है उन्होंने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन किया हुआ था जिसमें जो है अमेरिका के एम्बेसडर को भी बुलाया हुआ था। तो एम्बेसडर ने उधर आके बात वगैरह की और साथ में ये भी बोला कि जो वर्कर जो आपके हैं वो अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसी में हम उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे। तो हालत भाई ने भी वीज़ा अप्लाई किया, बाकी लोगों ने भी अप्लाई किया, लेकिन हालत भाई कह रहे थे कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ और एक और पठान था उसका वीज़ा उसको मिल गया। तो उसमें जो एक सवाल का जो उन्होंने आंसर
हाईलाइट किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि ऑफिसर ने ये भी सवाल किया पठान से कि आप जो बम ब्लास्ट करते हैं वो वाले पठान हो, तो पठान ने आगे से जवाब दिया जी हाँ वही पठान है। तो फिर भी जो है उनको वीजा जो है वो दे दिया गया। तो ये इंफॉर्मेशन सारी शेयर करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, आप वीजा अप्लाई करते हैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज हो जाए पहले 3-4 केस का, तो फिर उस हिसाब से जो है आप अपना जो केस प्रोसीड करते हैं फिर उस हिसाब से जो अपना केस लेके चले। सही है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा इस वक्त जो है मैं पाकिस्तान में हूँ, इधर ट्रैवल एजेंसी बनाई हुई है, तो इसके मतलब कोई हमसे सर्विस हासिल करना चाहे विजिट वीजे की, टिकटिंग की, उमरा पैकेज, या इसके अलावा किसी वैसे की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ये सर्विस जो है हम सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके मतलब आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।